अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जो वो है कि मुर्गियां जो मुर्गों के साथ होती हैं वो उनके पर खा जाती हैं, गले से खा जाती हैं और इधर पशम से खा जाती हैं, ये पर खा जाती हैं। तो इसका बताना था कि मुर्गी के साथ आपने करना क्या है। बहुत ज़्यादा वजह होती है कैल्शियम की कमी से खाती हैं ज़्यादातर मुर्गियाँ, और कुछ मुर्गियों की आदत होती है, खून में भी होता है, कुछ खानदानी होती है वो भी खाती हैं। तो उसका इलाज बताना था आपको। एक तो आप उनकी कैल्शियम पूरी करते रहा करें, पालक वगैरह डालते रहें, व्योन के कैप्सूल फिश ऑयल डालते रहें उनको, और दाना पानी टाइम पर देते रहें ताकि उनकी कैल्शियम पूरी होती रहे और वो पर वगैरह ना खाएँ और अंडे वगैरह ना खाएँ। अगर खाती है मुर्गी पार वगैरह मुर्गे के, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है क्रीज करवाने में मुर्गे की, तो फिर मुर्गी आके खा जाती है तो बड़ा दुख होता है। तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ने ऐसे आप तो ये आपको मिल जाएगा, ये देख लें आप, नोज़ पिन इसको बोलते हैं, ये मुर्गी के नाक पर लगाना है ताकि मुर्गी रुक जाए पार खाने से, ठीक है। अभी आपको लगा कर दिखाएँगे, तो आप देखें ये मुर्गी को पकड़ लिया सही करके, ये इसके ये दो सुराख होते हैं, ये दो कीले निकली होती हैं, ये इसके नाक में डालने हैं सिर्फ। ये ऐसे आपने इसको डाल देना है और ये देखिए इसकी आंखों के आगे आ जाएगा दाना पानी, ये आराम से खाएगी और बाकी मुर्गी को कुछ नहीं होगा, मुर्गी ठीक रहेगी आपकी, दाना पानी खाएगी, पर यह है कि गले के पर वगैरह और ये पशम के ये खाना रोक देगी। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।